गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 5 चल रहा है दैट ह्यूमन बॉडी। इसका इंट्रोडक्शन आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका आवर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी वर्क लाइक ए टीम। हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं। टीम मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें दो टीम होते हैं। एक टीम जो है वो क्या करती है, बॉलिंग और फील्डिंग, दूसरी टीम क्या करती है, बैटिंग करती है। तो ठीक इस तरीके से ये जो है, ये ऑर्गन सिस्टम जो है एक टीम की तरह बहुत अच्छे से काम करती है। अगर हम लोग एक टीम बना लेते हैं किसी भी काम करने के लिए कि ये काम हम लोगों को मिलकर करना है, तो ठीक उसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम काम करती है। जैसे कि बताते हैं आपका, अगर टीम वर्क में अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो आप लोग टीवी देखते हैं तो क्या करते हैं, आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं। तो देख सकते हैं कि आप लोग कि एक साथ में दो चीज ऑर्गन सिस्टम काम कर लेती है। और उसके बाद भी अगर टीवी देखते देखते अगर कहीं से हमें कुछ सेंट आता है, कोई भी अच्छे खाने की, तो वो भी काम कर लेता है एक साथ। तो इसी को बोलते हम लोग टीम वर्क। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या है, वो अलग अलग काम करती है। जैसे अगर आंख जो है ऑर्गन सिस्टम में, सेंस ऑर्गन में क्या होता है, आई, ईयर। तो टीवी देखने में क्या, तो हम लोग देख भी लेते हैं और एक साथ सुन भी लेते हैं। तो दोनों का क्या काम था, एक का काम था देखना और कान का काम क्या होता है, ईयर्स का, तो सुनना। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर, ये ऑर्गन सिस्टम कितने, तो 8 ऑर्गन सिस्टम है। ये कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, तो फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या हो गया, जो हड्डी का ढांचा होता है हम लोग का, जो कंकाल है शरीर का, तो वो हुआ स्केलेटल सिस्टम। उसके बारे में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी, मांस होता है हमारे शरीर में वो है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग सांस लेते हैं लंग से, हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। 5 नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो स्टोमैक, जो हमारे पेट में खाना खाते हैं उसके बाद जो खाना पचता है। 6 नंबर पे है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्लड क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है एक्सेक्यूटिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में है। ये 8 ऑर्गन सिस्टम जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम बुक से पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ। ऑर्गन सिस्टम का फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। डिफरेंट बोन्स इन द बॉडी फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। बोन इज ए सॉलिड एंड हार्ड सब्सटेंसेस। द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन। ऑल दिस बोन्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन इन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड आई। द रिबकेज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। ये आपका रीडिंग है और आप लोग रीडिंग कीजिएगा। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ये डिफरेंट बोन्स, अलग अलग तरीके के हड्डियों से बना होता है स्केलेटल सिस्टम्स। बोन इज ए सॉलिड एंड हार्ड सब्सटेंस। बोन्स क्या है, हड्डी क्या है, एक ठोस और कठोर सब्सटेंसेस हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और ये हमारे शरीर में क्या है, अलग अलग तरीके के शेप, आकार और इनका साइज जो है वो अलग है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमंस। एक एडल्ट ह्यूमंस में कितने हड्डियाँ होते हैं, तो 206। ऑल दिस बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। ये सारी हड्डियाँ जो मिलकर के एक फ्रेमवर्क बनाती है, हमारे शरीर का फ्रेम जो तैयार करती है वो क्या है, उसको स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन क्या देती है, तो हमारे शरीर को
शेप देती है, आकार देती है और इसको सपोर्ट करती है खड़े होने में। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो हमारे शरीर के अंदर में जो बहुत ही कोमल और नाजुक इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। लाइक द स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड आइज। स्कल जो है खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन और आइज हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करती है। द रिब केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। और रिब केज ये जो हमारा कहते हैं फेफड़ा जो जहाँ पे होता है उसके ऊपर रिब केज, आप लोग साइड में पिक्चर्स देख सकते हैं, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है कि कहीं से कोई बाहर से चोट लगे तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए। और आँखों को कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो आप अपने आँखों पर ऐसे हाथ रखिए तो देखिएगा आँखों के चारों तरफ क्या है, आपका हड्डी है, वो क्या है, स्कल है, स्कल की ही हड्डियाँ हैं जिससे हमारी आँखें प्रोटेक्ट होती है। बोन्स आर स्टीप एंड हार्ड, दे कैन नॉट बैंड। ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इट कॉल्ड द ज्वाइंट। ज्वाइंट हेल्प अस टू बैंड। डिफरेंट ज्वाइंट्स एलो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। बोन्स जो है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। दे कैन नॉट बैंड, वो मुड़ नहीं सकते हैं। ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इन कॉल्ड द ज्वाइंट। और जहाँ पे दो हड्डियाँ जा करके मिलती है, दो अलग अलग हड्डियाँ मिलती है, उसको क्या ज्वाइंट कहते हैं। जैसे अपने हाथों को मोड़ के देखिए, जहाँ से वो मोड़ रही है वो क्या है, ज्वाइंट्स हैं। ज्वाइंट्स हेल्प अस टू बैंड। ज्वाइंट किस में मदद करती है, तो हमें हाथ को बैंड करने में, घुमाने में। डिफरेंट ज्वाइंट्स एलो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। और अलग अलग के जो डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के मूवमेंट करने में मदद करती है। जैसे हाथ के ऊपर देखिए, जहाँ उंगली आपका जहाँ तलती है उसको चारों तरफ से आप घुमा सकते हैं, गर्दन को चारों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन हाथ को क्या है, सिर्फ आप एक ही साइड ऊपर घुमा सकते हैं, पीछे से उल्टा नहीं घुमा सकते हैं। तो ये क्या है, ये ज्वाइंट्स हैं। जैसे पैर में भी है, ठेहुना है, घुटना, ये सब क्या है, सब ज्वाइंट्स हैं। कमर है। सेकेंड में है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम्स क्या होता है, जो मांस का से मतलब जैसे मांस हमारे शरीर के हड्डियों के ऊपर क्या है, पूरा मांस की एक परत है, वो है मस्कुलर सिस्टम्स। मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम किससे बना है, जैसे कि अभी आपको बताया मांस से बना होता है ये। मसल्स आर फ्लैसी स्ट्रेची बैंड डैट कवर द स्केलेटन। मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स एंड टू अदर मसल्स थ्रू कॉर्ड्स कॉल्ड लिगमेंट्स। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। जैसा कि बताया मस्कुलर सिस्टम्स क्या है, वो मसल से बना हुआ है, मांस से। मस्कुलर आर फ्रेसी स्ट्रेची बैंड डैट कवर्ड द स्केल्टन। और मस्कुलर मसल्स हैं वो क्या है, फ्लैसी है, स्ट्रेच है, मतलब मांस है, और उसको जिसको हम खींच सकते हैं, बैंड है वो मुड़ सकता है, डैट कवर वो पूरे स्केल्टन पे कवर्ड है, स्केल्टन के हड्डी के ढांचों पे। मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय कॉर्ड कॉल्ड टेंडन्स एंड टू अदर मसल्स थ्रू कॉर्ड कॉल्ड लिगमेंट्स। मतलब हड्डियों पे जो मांस चढ़ा हुआ है और जो कॉर्ड के जरिए वो टेंडन्स कहलाता है, और जो अदर मांस है उसको लिगमेंट कहते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जैसे हड्डियां हैं 206 हैं, तो ठीक उसी तरीके से मसल्स जो हैं कितने हैं, 600 से भी ज़्यादा हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। और मस्कुलर सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो हम मतलब मूवमेंट करते हैं, हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना है। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं तो स्केलेटन रहेगा, अगर हड्डी रहेगा सिर्फ तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, और अगर उसी के साथ मसल्स है तो क्या है, आराम से हम लोग चल सकते हैं। एलॉन्ग विद द बोन्स मसल्स हेल्प अस टू वॉक रन जंप एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़। हड्डियों के साथ मांसपेशियां रहने से हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं और कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्चुअली आवर मसल्स पुल आवर बोन्स एंड मेक देम मूव।
दरअसल हमारी मांसपेशियाँ जो है हमारी हड्डियों को क्या करती है, वो पुल करती है, खींचती है, ताकि हम लोग चल सकें। दिस इज बिकॉज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर डैट वी कैन मूव आवर हैंड्स, लेग, नेक, हेड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर, ये बोन्स और हड्डियाँ और मांस जो है एक साथ काम करती है, जिसके कारण से अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, लेग को, नेक को, गर्दन को, हैंड को और अदर बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं वो हम लोग एक जगह दूसरे जगह मतलब मूव कर सकते हैं। सम मसल वर्क ऑन देयर ऑन, हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियाँ, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो वो खुद से काम करती है, उनके ऊपर हम लोग का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे हार्ट मसल्स, हार्ट बीट आप लोग हाथ रखिए सीने पे तो हार्ट बीट होता है, उन मसल्स से अंदर के मसल्स पे हम लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं है और वो अपना काम लगातार करते रहती है। जब हम लोग सोते भी हैं फिर भी हम लोग सांस लेते रहते हैं या ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, तो ये मसल्स जो है ऑटोमेटिक अपने से काम करता है, उस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम लोग हाथ मूव करते हैं इस पर हम लोग का कंट्रोल है, लेकिन अगर हम लोग सांस रोके तो रोक सकते हैं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम लोग के बस में नहीं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं साइड्स में लंग्स हैं, हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रीथ क्लीन एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द हेल्प ऑफ एनी कंट्रोल ओवर देम। वी ब्रीथ एग्जांपल थ्रू द नोज मसल्स व्हाइल ब्रीथिंग एंड द लंग्स एंटर थ्रू मसल्स वर्क कंटीन्यूअसली ऑन देयर थ्रू द विंड पाइप। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ आउट दिस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो किसके जरिए लेते हैं, तो नाक के जरिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का मेन पार्ट क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कंसिस्ट है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। हम लोग जब सांस लेते हैं ब्रेथ करते हैं एयर, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वी ब्रेथ क्लीन एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्लीन एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इस ऑर्गन में। वी ब्रेथ इन एयर थ्रू द नोज व्हाइल ब्रेथिंग एयर इंटर्स थ्रू आवर नोज एंड रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। क्या करते हैं, हम लोग सांस जब नाक से लेते हैं तो ये विंड पाइप के जरिए फेफड़े तक जाती है और इससे हम लोग सांस लेते हैं। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ आउट दिस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, लंग्स में टेक लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वी ब्रीथ आउट मतलब हम लोग जो बाहर जो करते हैं क्या करते हैं, वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे शरीर को कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग सांस में मैंने ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से आप इसको समझा सकते हैं। थैंक यू।